बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हमने क्लास में ब्लैक ब्यूटी लेसन पढ़ा था। आज हम इस लेसन में से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। बिफोर आई वॉज टू ईयर्स ओल्ड, जब मैं दो साल का था, अ सर्कमस्टेंस हैपेंड व्हिच आई हैव नेवर फॉरगॉटन। एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये मौसम बहार का आगाज था। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, रात में हल्की कुनकी थी, ठंड पड़ी थी। एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड विंडोज, और अभी भी हल्की सी धुंध थी जंगल में और चरागाहों पर। आई एंड द अदर गॉड्स, मैं और दूसरे घोड़े। एक्चुअली आपने ये पढ़ा होगा कि ये स्टोरी एक घोड़े की जुबान में लिखी गई है, यानी कि घोड़ा है और वो हंटिंग का एक क्रूरल एक्शन देखता है कि कुछ शिकारी और शिकारी कुत्ते एक मासूम खरगोश को शिकार करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो ये घोड़ा जो सीन को देखता है और यहाँ पर वो उसका एक स्टार्ट हो रहा है उसी पैराग्राफ के बारे में। तो ये स्टोरी एक घोड़े की जुबान में लिखी गई है, तो वो अपने आप को जो बोलने वाला है, ये जो बात कर रहा है, वो एक घोड़ा है। आई एंड द अदर गॉड्स, मैं और दूसरे घोड़े, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड के निचले वाले हिस्से में हम चर रहे थे। व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस, जब हमने कुछ ही फासले पर सुना, बट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, जो आवाज ऐसी थी जैसे डॉग्स के चिल्लाने की होती है। द ओल्डेस्ट ऑफ द गॉड्स रेज्ड हिज हेड, जो हमसे सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा घोड़ा था, उसने अपना सर उठाया, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कान उठाए, एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, वहां शिकारी कुत्ते हैं, एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और फिर फौरन ही चल पड़ा और हम उसके पीछे थे, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड के ऊपरी हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से में। वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड द सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, जहां पर हम बाढ़ और उससे आगे कई खेत देख सकते थे। My mother and an old riding horse, मेरी माँ और एक सवारी का बूढ़ा घोड़ा, जो मेरे मास्टर का था, मेरे मालिक का था, were also standing near, वो भी पास खड़े थे, and seemed to know all about it, और ऐसे मालूम होता था कि उनको इस चीज के बारे में जो हो रही है सब पता है। What was the age of the colt, इसमें जो घोड़ा है बात कर रहा है वो उसकी एज क्या है। The colt was about 2 years old. What were the colts doing? घोड़े वहां पर क्या कर रहे थे? They were feeding at the lower part of the field. What did the oldest of the colts say? सबसे जो बड़ा घोड़ा है उसने क्या कहा? The oldest of the colts said, सबसे बड़े घोड़े ने कहा, There are the hounds, वहां शिकारी कुत्ते हैं। My mother, an old riding horse, मेरी माँ और एक सवारी का बूढ़ा घोड़ा, जो मेरे मालिक के थे, were also standing near, ये भी वहां पास खड़े थे। Which tense is this? तो ये कौन सा tense है? तो आई हम देखते हैं कि कौन सी फॉर्म और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो इसमें माय मदर एंड द ओल्ड राइडिंग हॉर्स तो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है और स्टैंडिंग, इनके स्टैंड की आईएनजी वाली उसके साथ आईएनजी यूज हुआ है। तो स्टैंडिंग और वर्ब ने हमें मेंशन किया है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द ओल्डेस्ट ऑफ द कल्ट्स रेज्ड हिज हेड, चेंज दिस सेंटेंस टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अभी ये है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुई है, तो अब हम इसमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे और हमारा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वाज या वर। तो ये ओल्डेस्ट ऑफ द कॉर्ड्स, जो सबसे बड़ा था, तो जो सबसे बड़ा था वो सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसको हम फिर वाज यूज करेंगे और आईएनजी वाली फॉर्म रेस्ट को रेजिंग में चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब आप इस कार्ड को फिल करें, इसके बाद इन क्वेश्चंस को अपने बुक कॉपी पे लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।